हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, यह है पिडिलाइट इंडस्ट्री। पिडिलाइट का शेयर अगर आप देखोगे, बहुत बेहतरीन शेयर है। और जिस ये एडहेसिव की दुनिया में काम करता है, उस एडहेसिव की दुनिया में, मतलब जैसे फेविकॉल, फेविस्टिक, फेविक्विक, उसमें इसका कोई कॉम्पिटिटर एज सच इतना बड़े लेवल पे नहीं है। छोटे छोटे कंपिटिटर जरूर है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ये स्टॉक भी बहुत छोटा सा था, लेकिन धीरे धीरे करके इसने ऐसी पकड़ बनाई है कि पूरे मार्केट पर इसका कब्जा है, ये मान के चलिए। चलिए, अगर आपके मन में क्वेश्चन है मुझे भी पिडिलाइट का शेयर खरीदना है, और अगर आप इस शेयर को देखोगे, इसके रिव्यूज़ को देखोगे, तो आपका भी मन करेगा कि हाँ भाई, पिडिलाइट मेरे पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए। तो अगर आपका मुझे पिडिलाइट का शेयर खरीदना है, तो किस प्राइस पर खरीदूँ? क्वेश्चन ये आता है कि किस प्राइस पर खरीदूँ, कि जो अभी करंट, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं भाई, अभी बहुत सारे लोगों ने HUL की डील सुनी थी GSK कंज्यूमर के साथ, और बाइंग कर डाली 1850 पे। हाँ, उनको वो शेयर ऑल दो वहाँ पर ठीक था, प्राइस पर बाइंग कर डाली, लेकिन अगर वो उसको और सस्ते में खरीद रहे होते, क्योंकि GSK कंज्यूमर के साथ उसकी डील की बात है 1-2 महीने पहले चल रही थी, और वो चीज है, वो 1400-1500-1600 के लेवल पे भी HUL मिल रहा था, तो उस लेवल पे बाई करते तो अच्छा खासा 10% नीचे बाइंग होती है उनकी, और 10% मुनाफा ज़्यादा होता। वही चीज़ अब पिडिलाइट का शेयर किस प्राइस पे खरीदूँ? ऑल्दो ये गलत है कि अच्छे स्टॉक्स को आप वेट करो उनके बाइंग के लिए, बट अगर आपको दिख रही है कि आगे कंडीशन ऐसे आने वाली है कि सस्ते में मिल सकता है वो, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा 10-5 दिन का आप इंतज़ार कर सकते हो। जैसे अभी इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, अगर कुछ भी ऊपर नीचे रहा, तो अगर अच्छा रहा तो आपको स्टॉक मार्केट एकदम उड़ती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन अगर अच्छा नहीं रहा तो स्टॉक मार्केट में गिरावट ज़बरदस्त रहेगी। तो ये चीज़ है कि वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ भाई, गिरेंगे शेयर तो हम उसको उठा सकते हैं। तो आप देखिए कुछ रिव्यूज़ उसके और किस प्राइस पर खरीदो, चलिए बात करते हैं उन सब के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब ये देखिए, अगर हम देखें इसकी प्राइसिंग देखें, तो आप ये समझिए कि ये स्टॉक जो है, अभी जब गिरावट देखने को मिली थी, तो दो देखिए, ये डबल टॉप का पैटर्न टाइप का बनाया था इसने, और गिरावट देखने को मिली, तो अपने बेस पुराने सपोर्ट लेवल, अगर ये देखें, ये लेवल्स देखें, इन लेवल्स के अराउंड आ चुका था। ये इसका मेन रजिस्टेंस लेवल था, मतलब 900 के लेवल पर आ चुका था। पिडिलाइट बेस्ट बाई था यहाँ पर 900 के लेवल पर, और वहाँ से उछल के वापस ये 1100-1200 के लेवल पर चला गया। अब आप यकीन मानिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से और पार जाएगा, हाँ, लेकिन थोड़ा गिरावट के चांसेस हैं, और अभी मैं बेस्ट बाय आपको दूंगा इस लेवल पे, मतलब 950 से 1000 या 1050 के अराउंड। इन लेवल्स पे आपके लिए बेस्ट बाय है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचिए, क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का नहीं है। जैसे आप देखिए, ये स्टॉक अगर लंबे टाइम से जैसे इसकी चल रही थी, रैली चल रही थी, फिर थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया, तो ये बेस्ट बाय कहूँगा मैं इसको, अगर आपको ये 1000 के लेवल्स पे मिलता है स्टॉक तो बेहतरीन। और अगर और गिरावट आती है, अगर आपने ये इस ट्रेंड लाइन पे मिलता है 850 के लेवल पे, तो और बढ़िया है। तो ऐसी 2-3 ट्रेंड लाइन आप देखिए, 850 के लेवल पे, 800 के लेवल पे, या फिर ये देखिए 700 के लेवल पे, इस तरीके से 2-3 ट्रेंड लाइन इसकी चल रही है, जो हल्का हल्का फास्ट होते जा रहा है। फैन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखोगे तो बहुत बढ़िया बेहतरीन बाइंग इसकी दिख रही है। सभी अभी जो बेस्ट बाइंग मुझे दिख रही है, वो 1000 से 950 एंड 1000 के बीच में दिख रही है। और चलिए आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बहुत बेहतरीन स्टॉक है, अगर आप इसके बारे में जानते हो तो देखिए, 57,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अल्टीमेट करंट प्राइस 1135, 100 रुपया, 150 रुपये और गिर जाए तो और बढ़िया बेहतरीन आ जाएगा ये स्टॉक। बुक वैल्यू देखिए 70 रुपीज़ की ज़रूर है। यहाँ पे अगर आप देखो, जो इसमें नेगेटिव फैक्टर, बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि स्टॉक के बारे में नेगेटिव फैक्टर भी बता दीजिए, लेकिन स्टॉक्स हर चीज़ में बेहतरीन है, लेकिन नेगेटिव फैक्टर ये है कि 70 का बुक वैल्यू है, जो ट्रेड कर रहा है ये 1135 पे कर रहा है, तो बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बेहतरीन है, और इसका सेल्स ग्रोथ भी मैं बेहतरीन कहूँगा, ऑलमोस्ट 8% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप खुद देखिए, 37% की, इन रिटर्न ऑन इक्विटी 27% की। अर्निंग पर शेयर जरूर कम है इसका। दूसरा नेगेटिव फैक्टर ये दिख रहा है मुझे इसका, अर्निंग पर शेयर कम है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट लीडर है, उस हिसाब से बहुत बेहतरीन ये जो ग्रोथ आपको दिख रही है चार्ट में, वो बहुत बेहतरीन है। पॉजिटिव पॉइंट, डेट जो उधार है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर का उधार है इस कंपनी के ऊपर। एक नज़र डालिए चार्ट पे, पिछले 5 साल का आप चार्ट देखिए और खुद देखिए कि स्टॉक कहाँ से कहाँ मूव किया। 300 के प्राइस से 1200 के प्राइस पे 5 साल में 4 गुना प्राइस मूवमेंट, बहुत बढ़िया। और अगर आप मैक्सिमम देखें तो 2003, मतलब कि 2003 में 12 रुपये का था, आज 1200 का था है, तो मतलब 15 साल में 100 टाइम्स देखिए, 15 साल में देखिए 12 रुपये का 1200, तो 100 टाइम्स रिटर्न। अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो 15 साल में 1 करोड़ करके दे दिए होते इस स्टॉक ने आपको।
चलिए एक नज़र डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अब देखिए 2007 से लेकर अब तक का हमारे पास डेटा है, आप खुद देखिए और यकीन मानिए कि कितनी स्पीड से इसकी जो है सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है और कितने स्पीड से देखिए इसका प्रॉफिट का ग्रोथ बढ़ी है। आप देखिए 111 करोड़ का प्रॉफिट था 2007 में, आज की डेट में 1000 करोड़ का प्रॉफिट है ऑलमोस्ट, बहुत बेहतरीन। अर्निंग पर शेयर देख लीजिए उसी हिसाब से बढ़ रहा है, हर चीज़ में बहुत बेहतरीन है। अब एक नज़र हम डालते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अगर आप यहाँ पे इसमें देखिए कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसको होल्ड कर रखा है वो देखिए आप, बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसको होल्डिंग करके, एक्सिस लॉन्ग टर्म ने तो भर भर के रखा हुआ है ये स्टॉक देखिए आप। और डिविडेंड भी देखिए इस साल तो डिविडेंड में और बढ़त दिखने को मिली है, 6 रुपये का भी इस साल इसने डिविडेंड दिया है, पिछले साल 4.5 रुपये के अराउंड का डिविडेंड दिया था। और प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत बढ़िया है, 70 रुपीज़ के 70% के अराउंड की प्रोमोटर की होल्डिंग है। एंड अगर आप देखते हैं कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसको होल्ड कर रखा है, आप खुद देखिए पिछले क्वार्टर में ही 57 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसको बाय किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज टॉप का स्टॉक है, बाइंग प्राइस मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट बाइंग कहाँ पर है, बेस्ट बाइंग आपको 1000 रुपीज़ से नीचे आता है तो स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, एक्युमुलेशन शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, एक्युमुलेशन फेज आपका आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल लगता है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।